नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉकिंग एवरीथिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया के पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इंजन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। दोस्तों पीएम मोदी ने इंडिया के पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले ऑल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का माधेपुरा की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री से उद्घाटन किया। दोस्तों ये देश का पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन है और ये पहला इतनी बड़ी क्षमता वाला इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया। दोस्तों एक चीज बता दूं कि माधेपुरा की ऑल इलेक्ट्रिक फैक्ट्री बिहार के माधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, ये जो इंजन तैयार किया गया है ये इंडियन रेलवे और फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा किया गया है। दोस्तों इससे पहले इंडिया के पास सिर्फ 6,000 हॉर्स पावर तक के इंजन थे, तो इसी इंजन के लॉन्च होने के साथ ही दोस्तों इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास 12,000 हॉर्स पावर या उससे ज्यादा की क्षमता वाले इंजन है। दोस्तों अभी तक ये इंजन सिर्फ रशिया, चाइना, जर्मनी और स्वीडन के पास थे, अब इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल हो गया। दोस्तों एक चीज और बताऊं कि इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों इसकी हॉलिंग कैपेसिटी मतलब पुल करने की कैपेसिटी 6,000 टन है। दोस्तों इंडियन रेलवे जो कंजेशन फेस कर रही है ये इंजन उसको कम करने में बहुत मदद करेगा। और दोस्तों इंडियन रेलवे के अनुसार इस इंजन का प्रयोग फिलहाल कोर और आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों और एक चीज और बताऊं मैं आपको, माधेपुरा की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो फैक्ट्री है ये 250 एकड़ एरिया में फैली हुई है। दोस्तों इंडियन रेलवे और फ्रांस की एस्ट्रोम के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार टोटल 11 साल में 800 इंजन बनाए जाने हैं, जिसमें से कि 5 इंजन इम्पोर्ट किए जाएंगे फ्रांस से, बाकी 795 इंडिया में ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2019-20 में 35 इंजन बनाए जाएंगे माधेपुरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री में और 2020-21 में 60 इंजन बनाए जाएंगे और उसके बाद हर साल 100 इंजन बनाए जाएंगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता 800 इंजन का। दोस्तों ये नई लोकोमोटिव इंडियन रेलवे की ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने में बहुत मदद करेंगे और साथ ही ग्रीन हाउस एमिशन जो होता है उसको कम करने में बहुत मदद करेंगे। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1,300 करोड़ रुपए का यूज माधेपुरा की फैक्ट्री को सेटअप करने में किया जाएगा और साथ ही 2 मेंटेनेंस प्लांट को भी सेटअप करने में किया जाएगा। इनमें से एक मेंटेनेंस प्लांट लगेगा यूपी के सहारनपुर में, दूसरा लगेगा महाराष्ट्र के नागपुर में। तो इस तरह अगर हम देखें दोस्तों हर इंजन की एवरेज कॉस्ट आएगी 25 करोड़। दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि इतने बढ़िया इंजन इंडिया में बन रहे हैं, वो भी ऑल इलेक्ट्रिक, जो कि पोल्यूशन को भी कम करेंगे। और दोस्तों समय के साथ, टाइम के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करना बहुत जरूरी है और इसी के साथ ही स्लोली स्लोली देश नए नए एडवांसेस से, नए नई टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।